बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 सिंपलीफाई करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 3/12 होल पावर 6। होल पावर का मतलब है कि इन दोनों पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों पर ही हमारे पास पावर है 6। तो हम इसे लिख सकते हैं 3/12। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैंसिल हो जाएगा ये। तो 3 1 3, 3 4 12। हम इसे लिख सकते हैं 1/4 होल पावर 6। अब ये 1 की पावर भी हमारे पास 6 है और 4 की पावर भी 6 है। 4 की पावर 6 होने का मतलब है कि 4 टाइम्स लिखा जाएगा। 1 को तो हम 4 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 6 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास 1 ही रहेगा। 4 को जब हम 6 टाइम्स लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आता है देखते हैं। 4096, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, इसमें हमारे पास है -12 और 5, कैंसिल नहीं हो सकते ये। हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे, -12 होल पावर हमारे पास 5 है, -12 की पावर भी 5 है और 5 की पावर भी 5 आ रही है। आपकी बुक में यही आंसर दिया हुआ है, लेकिन हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -12 होल पावर 5 का मतलब है 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। -12 मल्टीप्लाई बाय -12 मल्टीप्लाई बाय -12 और 5 भी 5 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा। 5 टाइम्स जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 4 8 8 3 2 और 5 को जब 5 टाइम्स करेंगे तो 3 1 2 5। अब साइन देखें, जब हमारे पास ऑड नंबर हो तो माइनस की साइन ही हमारे पास आएगी। 5 ऑड नंबर है, माइनस के साइन आएगी। अगर इवन नंबर होता तो फिर हमारे पास माइनस प्लस, अगर कुछ हो रहा होता तो इवन प्लस के साइन आते हैं। तो ये इसका आंसर। अब है a/b, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। हम इसे लिख सकते हैं a की पावर 6 और b की पावर 6, और ये हमारे पास आ जाएगा a^6/b^6, यही इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है l/m^-3। अब हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, l की पावर हमारे पास आ रही है -3 और m की पावर भी -3। अब हम लोग पढ़ चुके हैं ये, अगर हमारे पास a की पावर हो -n तो ये इक्वल होगा 1/a पॉजिटिव n, इसकी पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसका हमने रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास पॉजिटिव में आ गई पावर। यहाँ पर अगर हम लोग चाहते हैं इसकी पावर पॉजिटिव लेना तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, m यहाँ पर आ जाएगा तो इसकी पावर 3 हो जाएगी, और l हमारे पास नीचे चला जाएगा तो इसकी पावर भी 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 8/3 है, 8/3 हम इसे कैंसिल नहीं कर सकते तो सेम ही लिखेंगे। अब हमारे पास पावर यहाँ पर भी -2 आ रही है तो हम इसे लिखते हैं
8 की पावर हमारे पास माइनस टू, ए स्क्वायर इसकी होल पावर हमारे पास माइनस टू आ रही है, और बी की भी पावर माइनस टू। नीचे हमारे पास 3, इसकी पावर भी माइनस टू, सी की पावर भी माइनस टू, और डी की पावर भी माइनस टू। अभी हमारे पास आ जाएगी 4 लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर। हम डिनोमिनेटर को ऊपर ले आएंगे 3, इसकी पावर हमारे पास 2 हो जाएगी, सी पावर 2 और डी की भी पावर 2। इसी तरह से 8 की पावर 2, ए की पावर ए स्क्वायर है और होल पावर हमारे पास फिर इसका फर्दर स्क्वायर हो रहा है। अब हम इसे लिख सकते हैं, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 आ जाएगा हमारे पास, और c का स्क्वायर और d का स्क्वायर। 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, ए का स्क्वायर है, होल स्क्वायर है हमारे पास, तो ए की पावर हमारे पास 4 हो जाएगी, और बी स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, 3/2 है, कैंसिल नहीं हो सकता, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, माइनस 3, इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 4, एक्स क्यूब्ड इसकी भी होल पावर 4, और वाई स्क्वायर इसकी भी होल पावर 4। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 होल पावर 4, यू की पावर भी 4 और टी की पावर भी 4। ये इक्वल होगा 3 है, हमारे पास पावर है 4, हमारे पास इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा हमारे पास। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81, एक्स 3 और 4 मल्टीप्लाई होंगे, एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 12, वाई 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8, और यहाँ पे 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16, ए की पावर हमारे पास 4 और टी की पावर भी 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2a² b³ c⁴, 3l² vw³ 3, होल पावर है हमारे पास 6। इसे हम सॉल्व करेंगे, 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 6, a² होल पावर 6, b³ होल पावर 6, c⁴ एंड होल पावर 6। अब है 3, इसकी पावर भी हमारे पास 6, l² होल पावर 6, v होल पावर 6 और w³ है, और इसकी होल पावर हमारे पास 6 आ गई। अब हम इसे लिख सकते हैं, 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, और a की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो a की पावर 12, b की पावर 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 18, c 4 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो हमारे पास c की पावर आ जाएगी 24। 3 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 729, और l की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ 12,
वी की पावर हमारे पास आ जाएगी 6 और डब्ल्यू की पावर आएगी 3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 18। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है। 17 बी रेस पावर 7 सी रेस पावर 5 7 एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर होल पावर हमारे पास है 2। ये कैंसिल तो हो नहीं रहे तो हम इसे लिख सकते हैं 17 की पावर हमारे पास आ जाएगी होल पावर स्क्वायर में आ जाएगा, बी रेस पावर 7 का स्क्वायर और सी रेस पावर 5 का स्क्वायर। इसी तरह से 7 का स्क्वायर और एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 17 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। बी 7 मल्टीप्लाई होगा 2 से 14 और सी की पावर हमारे पास आ जाएगी 5 2 से 10। 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 7 से 49। एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाएगा और वाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2 वाई की पावर हमारे पास 4 आ जाएगी। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है। 18 एक्स रेज पावर 4 वाई क्यूब्ड जेड स्क्वायर अपॉन 6 ए बी स्क्वायर सी रेज पावर 5 और होल पावर 3 है मीन्स क्यूब्ड। अब ये कैंसिल हो रहा है तो हम इसे कैंसिल कर देंगे 18 अपॉन 6 सिक्स वन से सिक्स सिक्स थ्री से 18 एक्स रेज पावर 4 वाई क्यूब जेड स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी रेज पावर 5 होल क्यूब। अब ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 की होल पावर 3 ही आ जाएगी एक्स रेज पावर 4 होल क्यूब y क्यूब्ड और z स्क्वायर का भी क्यूब्ड, a का क्यूब्ड b स्क्वायर का क्यूब्ड और c रेज पावर 5 का क्यूब्ड। इसको हम लिख सकते हैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 एक्स की पावर 4 3 से 12 वाई की पावर 3 3 से 9 और जेड की पावर हमारे पास हो जाएगी 2 3 से 6 ए की पावर क्यूब्ड और बी रेज पावर 6 और सी की पावर हमारे पास हो जाएगी 5 3 से 15। ये हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है। 30 एक्स रेज पावर 10 वाई रेज पावर 8 माइनस 5 एक्स क्यूब्ड वाई स्क्वायर। आप यहाँ पे ये कैंसिल हो सकते हैं तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे 5 वन से 5 5 6 से 30 और माइनस के साइन के साथ कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास आएगा 6 एक्स रेज पावर 10 अब इसको हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर
एक्स रेस पावर 10 का होल स्क्वायर और वाई रेस पावर 8 का स्क्वायर। अपॉन में हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 6 6 36, एक्स की पावर हमारे पास हो जाएगी 2 10 20 और वाई की पावर हो जाएगी 8 2 16, एक्स की पावर आएगी 3 2 6 और वाई रेस पावर 4। अब हम देखें तो हमारे पास बेस सेम आ रही है दोनों की, एक्स यहाँ पर भी है एक्स यहाँ पर भी है। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास हो ए पावर है एम और ए की पावर हो एन, तो हम इसे लिख लेते हैं ए की पावर एम माइनस एन। यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, 36 एज इट इज़ रहेगा और एक्स की पावर हमारे पास आ जाएगी 20 माइनस 6, ये ऊपर चला जाएगी तो माइनस 6 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पर वाई की पावर है हमारे पास 16 और ये फिर 4 जब ऊपर आएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 36। एक्स की पावर 20 में से 6 माइनस करेंगे तो 14 और y की पावर हमारे पास आ जाएगी 16 में से 4 माइनस करेंगे 12। ये इसका आंसर 11 है। 3a³b² 6c⁶ xyz होल पावर है हमारे पास -5। अब हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर -5, ए स्क्वायर इसकी पावर भी हमारे पास -5 आ जाएगी, बी का स्क्वायर है इसकी पावर भी -5 और सी रेज पावर 6 इसकी पावर भी -5। यहाँ पे एक्स की पावर -5, वाई की पावर -5 और जेड की पावर -5। अब हमारे पास सबकी पावर -5 आ रही है तो हम इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, इनको ऊपर शिफ्ट कर देंगे और ऊपर वाले नीचे आ जाएंगे। एक्स रेस पावर 5, वाई रेस पावर 5, जेड रेस पावर 5। इसी तरह से हमारे पास पहले वैसे लिख लेते हैं, 3 की पावर 5 आ गई हमारे पास और ए स्क्वायर की पावर भी 5, बी स्क्वायर की पावर भी 5 और सी रेज पावर 6 की पावर भी 5 आ गई। रेसिप्रोकल लेने से हमारे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 243। ए की पावर हमारे पास हो जाएगी 2 5 10, इसकी पावर 2 है या 3 है, ए की एक क्यूब था यहाँ पे क्यूब है, ठीक है तो 3 5 15, ए की पावर हमारे पास आ जाएगी 15 और बी की पावर 2 5 10 और सी की पावर 6 5 30। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12m⁴ n³p² 6m² n² p और होल पावर हमारे पास है 2 मीन्स स्क्वायर। अब ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल, 12 और 6 से 6 1 6, 6 2 12, तो हमारे पास आएगा 2 की पावर होल स्क्वायर
एम रेस पावर 4 होल स्क्वायर, एन क्यूब्ड होल स्क्वायर और पी का स्क्वायर ऑफ होल स्क्वायर। एम स्क्वायर का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर का होल स्क्वायर और पी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स, हमारे पास आ जाएगा 4। एम की पावर हो जाएगी 2 4 8, एन की पावर 3 2 6 और पी की पावर 2 2 4। जो भी हमारे पास एम है, एम की पावर हो जाएगी 4, एन की पावर भी 4 और पी की पावर हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर। अब सेम भी ऐसे हमारे पास आ रही है तो हम इसे लिख सकते हैं 4 एम 8 और ये पावर हमारे पास आ जाएगी माइनस का 4 आ जाएगा, एन 6 और ये 4 माइनस का हो जाएगा, पी 4 माइनस 2 ये वाली पावर। अब हम इसे लिख सकते हैं 4 एम की पावर 4, एन की पावर माइनस करेंगे 6 में से माइनस 4 तो हमारे पास 2 आ जाएगा और पी में से 4 में से 2 माइनस करेंगे तो पी की पावर स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका आंसर।